नमस्कार मित्रों, प्राकृतिक फार्म की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज जा रहे हैं एक छोटे से एडवेंचर पे। एक्चुअली फिलहाल हम हैं टेक्सास में, डेलस सिटी में, और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्विस काउ का फार्म है। और उधर से हम एक्चुअली हमारा आज का टारगेट है वहाँ से काव यूरिन और काव डंग इकट्ठा करना, जो कि हम घर पे हमारी फसलों के लिए अमृत जल या जीवामृत उससे बनाते हैं। तो आज हम उधर ही जा रहे हैं। वो तकरीबन घर से तकरीबन 45 माइल जितना है और 60 किलोमीटर जितना रफली डिस्टेंस है। तो हम जा रहे हैं उधर, देखते हैं वहाँ पे जाके हम वीडियो बनाएंगे उस पर कि हम कैसे यूरिन और काउडंग कलेक्ट करते हैं और कितनी काउस है उनके पास। और उनका फार्म एक्चुअली बहुत शायद चार पीढ़ी के आसपास से उनका फार्म और जो डेयरी उनका है प्रोडक्ट वो लोग चला रहे हैं। तो हम जाएंगे उधर, उनके पास तकरीबन 100 से अधिक गैयाँ हैं और वो सारी स्विस काव है जो कि A2 मिल्क देती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सेहतमंद है। तो जो जर्सी काव नहीं है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम भी मतलब बहुत टाइम से वहाँ से ही दूध लेते हैं और वही हम अपने रोजिंदा जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम जा रहे हैं, मैं अभी छोटा सा टाइम लैप्स लेने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिले और डिस्टेंस भी, यहाँ का रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा मज़ा लीजिए आप। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वापस हम वीडियो रिज्यूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। सैंडी क्रिक फार्म्स, आप देख सकते हैं कि ऑल स्विस मिल्क है और इन लोगों का सिंस 1913 से इनका ये फार्म चल रहा है। तो अब हम बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पे काउ के लिए वेट करेंगे और हम हमारे इक्विपमेंट्स ले लेते हैं यूरिन कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए आइए बाहर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है आज। आप देख सकते हैं ये सब पुराने यूटेंसिल्स यहाँ पे एज अ शोकेस करने के लिए रखे हुए हैं। बहुत पुराने इक्विपमेंट्स हैं। ये स्विस काव का बछड़ा है। ताइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम वेट करेंगे काव के लिए। तो इस फार्म में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि काव अपने टाइम पे यहाँ से सीधे फार्म से, आप देख सकते हैं दूर दूर बहुत बड़ा फार्म फैला हुआ। तो काउस वहाँ पे चल रही है अभी फ़िलहाल। वहाँ से अपना टाइम होने के बाद वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाती है।
और यहाँ पे आने के बाद वो सीधा यहाँ पे लाइन में खड़ी हो जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा जब वो आएगी तब। और फिर यहाँ से होते होते सभी गैया यहाँ पे खड़ी रहती है लाइन में एक के बाद एक। और ये सभी खड़ी होने के बाद ये जो यूनिट आप देख रहे हैं विंडो वाला, उधर एक्चुअली मिल्किंग यूनिट है। तो वो मिल्किंग यूनिट में आपको उसके बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया है, और सब इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं एक के बाद एक, कि सब सिस्टमेटिक तरीके से मिल्क निकाला जाता है यहाँ पे। तो वो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट से आपको एक वीडियो करके उसके डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो हम अभी यहाँ पे ही वेट करने वाले हैं। ये सब इक्विपमेंट्स हमने सिर्फ ऐसे ही होममेड ऐसे ही बनाए हुए हैं यहाँ पे खड़े खड़े बिना गायों को डिस्टर्ब किए, क्योंकि ये हमारी काम नहीं है। तो मतलब हम इतने नज़दीक नहीं जा सकते, तो बिना डिस्टर्ब किए कैसे यूरिन कलेक्ट करेंगे हम। हम देख सकते हैं अभी ये बड़ा सा डंडा ऐसे लगा के हम यूरिन कलेक्ट करेंगे। तो वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी सभी गैया धीरे धीरे करके इस ओर आ रही है। जो फार्म का मालिक है वो सिर्फ गाड़ी से सभी गांव को जो भी वहाँ पे चर रही थी उनको यहाँ पे खदेड़ रहा है। उसमें शायद एक दो मॉनिटर्स भी रहता है। वो एक्चुअली वो जो काव को बीच में मतलब रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो घंटी बंधी होती है उसके ऊपर, और जिस ओर वो जाता है वो लीडर बोलते हैं, जैसे जिसको हम जैसे लीडर बोल सकते हैं, कि जिधर वो काव जाएगी उसी ओर सब मतलब काव आगे आगे तक जाएगी। तो ये लीजिए सभी गैया आने लग गई है। तकरीबन 60 से 17 काव होंगी शायद। यहाँ से उनका जो मिल्किंग यूनिट है वो स्टार्ट होता है। आगे छोटा सा दरवाज़ा होता है जो अंदर का जो वर्कर है वो उसको जब भी खोलेगा तो एक के बाद एक गैया उसके अंदर जाएगी। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो जो मैं बात कर रहा था मॉनिटर की, आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। सब देख सकते हैं सभी लाइन में आ गई है। तो हम अभी यहीं पे हम वेट करेंगे, और जब भी ऐसा लगे कि काऊ अभी यूरिन करने वाली है तो हम उसको इस हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैच कर लेंगे। जैसे हमने एक ऑलरेडी मिस कर दिया। तो ये हमारी वेट एंड वॉच गेम है। कभी कभी आधे आधे घंटे में भी मिल जाता है, और कभी कभी तो मतलब 2 घंटे भी वेट करना पड़ता है। किंतु फ्रेंड्स इससे जो जो भी हम बनाने वाले हैं मैं उससे भी उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। जो भी अमृत जल हम इंडिया में यूज़ करते हैं उसका उपयोग करने के बाद जो भी हमारी फसल रहती है उसमें कैसी जान आ जाती है, वो मतलब उसका उसका अलग ही फायदा है। तो फ्रेंड्स हम अभी भी वेट कर रहे हैं। 15 मिनट जितना हो चुका है,
हम एक चांस तो हमारा मिस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा यहाँ पे है, जो मिल्किंग यूनिट के लिए, वो इन लोगों ने ओपन कर दिया है और काव यहाँ पे बारी बारी से अंदर जाने के लिए वेट कर रही है। और एक बात बताना मैं भूल गया था दोस्तों, कि जो भी काउज यहाँ से अंदर जाती है, वो मिल्किंग ख़त्म होने के बाद यहाँ ये जो छोटा सा डोर है उधर से बाहर निकलती है, और यहाँ से होते होते धीरे धीरे होते होते वापस वो फार्म में चली जाती है। तो ये इन टोटल आधा घंटा हो चुका है। हमारा दूसरा प्रयास भी फेल रहा, बहुत दूर थी तो वहाँ पे रीच नहीं कर पाए। लास्ट थोड़ा सा सक्सेस माइट बी अराउंड हम आखिरी चांस के लिए यूरिन इकट्ठा कर पा। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो 1 लीटर जितना जो कलेक्ट किया था, अभी हम फिलहाल उसको दूसरे बकेट में, दूसरी जो बोतल जैसा है उसमें ले लेंगे। टोटल 6 गैया इसमें एक 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 साथ आ सकती हैं। 3 मिल्किंग यूनिट इस ओर है, 3 मिल्किंग यूनिट उस ओर है, तो वो एक साथ खड़ी रह के जब मिल्किंग लेना ख़त्म हो जाता है तब वो सब इस डोर के थ्रू धीरे धीरे करके बाहर निकलती है। ये देखिए, आप यहाँ से जो भी जिस भी काव का मिल्किंग लेना प्रोसेस ख़त्म हो जाए, तो वो सब काव यहाँ पे यहाँ से धीरे धीरे करके निकल रही है। यहाँ से होते होते वो वापस अपने फार्म में फ्रीली ग्रेजिंग के लिए चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना काव यूरिन, फ्रेश काव यूरिन मिल चुका है। तो हम अब ले चलते हैं आपको गोबर कलेक्शन के लिए। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत गर्मी है, तो इनके ऊपर फैन रखा हुआ है। ये जो फ्रेंड्स, हमने यूटेंसिल्स ले लिए हैं, फावड़ा जैसा है, और ये बकेट जो हम भरने वाले हैं फ्रेश काऊ डंग से। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स, हमें ये पहला फ्रेश डंग मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ्रेश है। तो ये हमारा लास्ट काव डंग है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कितना हमने अब तक कलेक्ट किया है। सो दैट्स इट।
एंड अब हम वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फार्म के पास ही ये जो अमृत मिट्टी बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो लेने रुके हैं। फ्रेश मिट्टी, फ्रेश तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी पुराना झाड़ होता है उसके नीचे की थोड़ी सी हमें मिट्टी चाहिए, जो कि जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं और जो जो एक्चुअली हेल्प करते हैं पौधों को ग्रो करने के लिए। इतनी हमने ले ली है तो चलिए वापस। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि अभी यहाँ पे रास्ते में ही है। बहुत बड़ी चींटी है, इनका नाम तो मुझे अभी नहीं मालूम, याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चींटी है। ये शायद फॉरेस्ट एंड कहलाती है, शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलो हमने ये जो धूल जो मिट्टी थी पुराने पेड़ के नीचे की वो ले ली है। अभी फ़िलहाल हम वापस सीधे ही घर पे रुकेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम घर पे पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने फ्रेश काव यूरिन कलेक्ट कर लिया है और फ्रेश काव डंग भी है बहुत सारा, और थोड़ी सी पुराने पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी भी ले ली थी हमने। तो इस सारी चीज़ों का हम अमृत जल या फिर जो अमृत बनाने में उपयोग करने वाले हैं, और बहुत सारा काव डंग है तो हम इससे उपले भी बनाने वाले हैं। तो इनका सेपरेट से अलग वीडियो बना के आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा हमारा वीडियोस। तो आप तब हेल्दी रहो और तंदुरुस्त रहो और ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ और स्वस्थ रहो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।